अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैदा नाहिदा खादरी एनआरक्यू 24 से। गोवा स्पीकर श्री राजेश पटनेकर ने अपनी लेजिस्लेटर्स टीम के साथ हैदराबाद कमिश्नर ऑफिस बशीरबाग का दौरा किया और हैदराबाद कमिश्नर श्री अंजनी कुमार से मुलाकात की और साथ ही में जिस तरह अमन और सुकून के साथ हैदराबाद सिटी पुलिस ईद, बोनाल, गणेश और मुहर्रम के मौके पर बंदोबस्त करती है, इस बात पर भी श्री राजेश पटनेकर ने हैदराबाद सिटी पुलिस की तारीफ करते हुए हिम्मत अफजाई की। आइए इसी की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। We have all festival at a very big scale is being celebrated. So I will just give a small demonstration about how the police bandobast is done on the occasion of it is not a festival, it is a occasion of mourning. So Muharram. So I would like you to have a look. Imam Hussain Alaihi Salam sahab ko do cheez ki option शायद मिली थी। एक थी शहादत, दूसरी ह्यूमिलिएशन। और जहां तक मैं समझता हूं, उनका बहुत सोच समझकर कंसीडर डिसीजन था और उन्होंने शहादत को कबूल की। हुसैनियों, ये तुम्हें करबला बताती है, जो कौम अपने शहीदों को भूल जाती है, कदम कदम पे अजल से फरेब खाती है। जहां तक इंसानियत का सवाल है, आपके और हमारे जिंदगी में, सभी की जिंदगी में ऐसे हजारों मौके आते हैं जब अल्लाह सुभाना व ताला हम लोगों को भी ऑप्शन देता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किए। जनरली आसान रास्ता चुनना बहुत आसान है, लेकिन सही माने में अगर देखिए, जिसे कहते हैं कि आपके अंदर क्या मेटल है, अगर आपके अंदर सही इंसान का मेटल है तो जो मुश्किल का रास्ता है, जो कठिन रास्ता है, उसी को चुनना है। और यही एक एक सीख है, एक सबक है करबला से। बादशाह हुसैन हुसैन, बादशाह हुसैन, बादशाह हुसैन हुसैन। दोस्तों, अभी हमारे डीसीपी साहब और उसके पहले आज दूसरे ऑफिसर्स लोग जो इंतजाम के बारे में जिक्र किए, आपके कोऑपरेशन, आपके बुजुर्गों के गाइडेंस के तहत पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जिस चीज की भी जरूरत आपको होगी वो हम अपनी तरफ से मुहैया कराएंगे। जिस मौके में आप गमगीन हैं, जिस मौके में आप मातम मना रहे हैं, उसमें हम भी गमगीन हैं और हम भी आपके साथ हैं। शाबाश हुसैन।
पुलिस डिपार्टमेंट का कोई मजहब नहीं होता है। पुलिस डिपार्टमेंट का मजहब, उसका खाकी वर्दी, उसकी इंसानियत, उसकी सर्विस नेचर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम राजीव राव, मैं सर ट्रैफिक ऑफिसर सर। तो हम लोग पिछले कई साल से हम लोग ट्रैफिक में टेक्नोलॉजी यूज करके ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे कर, मैं छोटा सजेशन दे दूंगा। तो हैदराबाद का पॉपुलेशन है सर मेरा अबाउट 80 लाख, ग्रेटर हैदराबाद का 1 करोड़ पॉपुलेशन है सर, और व्हीकल्स का 79 लाख ऑलरेडी क्रॉस हो गया सर इंडिया का, 80 लाख हैदराबाद का व्हीकल्स पॉपुलेशन। हमारा फोकस मेनली ट्रैफिक में, सब लोग सोचते हैं कि ट्रैफिक बढ़े तो ट्रैफिक पुलिस ओनली एनफोर्समेंट होते हैं, हम लोग ट्रैफिक में मतलब ट्रैफिक रेगुलेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनफोर्समेंट, हम लोग ऐसा लेके आए सर। और पूरा हमारा कैशलेस एनफोर्समेंट, हम लोग जितना भी है पूरा कैशलेस एनफोर्समेंट, जो भी चालान होता है टिकट वो लोग पेमेंट गेट में भरने के लिए हम लोग सिस्टम बनाए सर। और बहुत सारा है कंट्रीज का, और अपने टेक्नोलॉजी हम लोग अपडेट करते हुए अभी बेस्ट प्रैक्टिसेस अराउंड द वर्ल्ड भी हम लोग ला चुके हैं सर। और यहाँ पे कैशलेस एनफोर्समेंट एंड जो इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे, इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।